आज हम बनाएंगे पेरू चॉकलेट। ज़्यादातर ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी, तो आप इसे बच्चों के लिए ज़रूर बनाइए। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 3 पेरू, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हमें थोड़े पके हुए पेरू का ही यूज़ करना है। 1 कटोरी शक्कर, 3 पेरू के लिए मैंने 1 कटोरी शक्कर ली है। आप चाहे तो अपने हिसाब से शक्कर का यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून बटर, 1 नींबू का रस, नमक और चॉकलेट फूड कलर ले लेंगे। पहले हमें पेरू को कुकर में डालकर 1 सीटी होने तक पका लेना है। कुकर में हम 1 गिलास पानी, पेरू, 1/2 चम्मच नमक और नींबू का रस डाल देंगे और कुकर को कवर करके हमें इसे सिर्फ 1 सीटी होने तक पका लेना है। 1 सीटी हो गई है, अब हम गैस को बंद कर लेंगे और अब हम कुकर को ठंडा करने के लिए रखेंगे। ये पूरी तरह ठंडा हो गया है, अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। कुछ देर इसे चालन में ही रखेंगे ताकि इसका पानी पूरी तरह से निकल जाए। पानी पूरी तरह से निकल गया है और इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। ये पूरी तरह से पीस के तैयार हो गई है, अब हमें इसे स्ट्रेनर से मैश कर लेना है ताकि पेरू के बीज हम पूरी तरह से निकाल सकें। स्ट्रेनर में हम थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट डालेंगे और मैश कर लेंगे। पूरा पेस्ट हमारा मैश हो गया है। ये देखिए, पेरू के बीज हमने अलग कर लिए हैं। अब हमें गैस में पैन रखकर उसे गर्म करने के लिए रखना है। पैन गर्म हो गई है, अब हम इसमें बटर डाल देंगे। बटर गर्म हो गया है, अब हम इसमें पेरू का पेस्ट डाल देंगे और बटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें शक्कर डाल देंगे और इसे भी पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तकरीबन हमें इसे 5 मिनट तक ऐसे ही पकाते रहना है और इसमें बीच बीच में चम्मच चलाते रहिए। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें 1 ड्रॉप फूड कलर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम अब तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरी तरह गाढ़ा ना हो जाए और इसमें बीच बीच में चम्मच चलाते रहिए। और गैस की फ्लेम को हमें धीमी ही रखनी है। इसमें मैं 1 ड्रॉप चॉकलेट कलर फिर से डाल रही हूँ ताकि इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाए। तकरीबन 10 मिनट से हम इसे पका रहे हैं, अब हम इसे चेक कर लेंगे कि पेस्ट ठीक हुआ है कि नहीं। पेस्ट को चेक करने के लिए मैंने 1 बाउल में थोड़ा पानी डाल दिया है, अब हम इसमें 1 ड्रॉप पेस्ट डाल देंगे और हाथ से उठा के हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये टूट नहीं रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरह से ठीक हो गया है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे। अब हम 1 स्टील का प्लेट ले लेना है और उसमें हम घी लगा लेंगे और पेस्ट को हमें प्लेट में डाल देना है और इसे प्लेट में अच्छे से फैला लेंगे और इस प्लेट को हम 3 घंटे तक फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 3 घंटे हो गए हैं, प्लेट को हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब हमें चाकू से इसे स्क्वायर शेप में काट लेना है। पेरू चॉकलेट बनके तैयार हो गए हैं, तो आप इसे बनाइए। ये आप सभी को और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। यदि आपकी रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर अथवा कमेंट्स कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।